हाँ ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जाने वाले हैं गोवा, मैं, मेरे हस्बैंड नीलोफर, आयु। पता ही नहीं था मुझे, वो सरप्राइज दिया एकदम। होटल के टिकट बुक किया और प्लेन की भी टिकट बुक किया, तो अचानक से उसने सरप्राइज दे दिया, तो इतनी ज़्यादा खुशी, वो बंदर इतनी ज़्यादा खुशी थी। आनु, साहिल सब यहीं पर रहेंगे, तो अफसोस इस बात की कि आनु को छोड़ के जा रही है मैं। ऐसा तो आऊँगी बहुत जल्द, 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके अब्बा का भी ऑपरेशन भी हो चुका है, तो घर बैठे बैठे बोर होने करके, तो आयु थोड़ा कहीं अब्बा को बाहर लेके जाएं, उनका मन बहलने के लिए। घर पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा टेंशन करते हो इसके लिए, तो बाहर लेके जा रहा, बुला दी इसने जब मैं कुछ बोलती, ठीक है आयु लेके जा रहा सरप्राइज, देख बहुत ज़्यादा खुशी लगी। तो चलिए चलते हैं, अभी सब पैकिंग तैयारी हो रही है, सूटिया कपड़ा कपड़ा सारा ये कर रहे हैं। बहुत एकदम अच्छा ना इसे सरप्राइज दिया ना, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई मैं। चलो कहीं तो घूमने मिल रहा है करके, तो उनके अब्बा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि अभी वो ऑपरेशन हो गया। आज 13 तारीख को जाना है, 9 तारीख को उनका ऑपरेशन हुआ था, तो आज 12 तारीख है, तो कल निकलना है हमें। तो चलिए अभी पैकिंग हो रही है, पैकिंग कर लेते हैं। तो अरहान स्कूल जाके आ गया अभी, यहाँ पर नोवा वहाँ पर सोया, और ये बेटा यहाँ बैठा आज अभी खाना खा रही, जिम से आई आनू खाना खा रही। नीलों पर यहाँ पर जाने के लिए तैयारी हो रही है, कपड़ा इसकी करी, यहाँ पर हो गई मेरी पैकिंग हो गई, और साहिल भी जिम जाके खाना खा रहा है। ए खाना शी, साहिल खुशी के मारे क्या क्या मैं बोलूँ, साहिल खाना नहीं खा रहा, खाना खा के यहाँ पर कंप्यूटर पर बैठा है। तो आइए गए बाल दाढ़ी कटाने के लिए, चलो। और ये देख रहे अरहान, तो अभी यहाँ पर पैकिंग सारी हो चुकी है, तो अभी मैं यहाँ पर बनाई चिकन का सालन और पाया का कड़ी बनाई हूँ, और बाकी काम रजिया बाहर गई, अरहान का कल स्पोर्ट है, तो उसके शू लाने गई है अरहान और यूसुफ रजिया। तो नीलों पर और उसकी पैकिंग बाकी है, बच्चों के कपड़े पैकिंग कर रही हो, तो मेरे हस्बैंड के हो चुके हैं, तो फिर फिलहाल खाना मैं बना रही, वैसा तो मैं ही बना रही थी। चिकन करी और उसमें बन रहा है पाया कड़ी, तो हो गया कंप्लीट। अभी रोटी देखेंगे, रजिया आकर बनाती है, पता नहीं, देखते हैं। चावल तो है बस इतना ही, थोड़ा आराम करते हैं। तो अभी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, एयरपोर्ट जाने के लिए 10:30 हो चुका है। अरहान और रजिया यूसुफ वहाँ गए, अरहान का आज रनिंग का ये कंपटीशन है, तो वहाँ पर गए, तो यूसुफ छोड़ने के लिए आएगा एयरपोर्ट, तो उसको अभी जस्ट 10-15 मिनट के बाद कॉल करना है, फिर निकलते हैं एयरपोर्ट जाते हैं। साहिल एकला है, वो कपड़े भी नहीं पहने, वैसे ही बैठे। और यहाँ नोहा भी रेडी हो, कुछ का बच्चा है। दिन्ना मामा। अभी जा रहे हैं, तो यूसुफ की गाड़ी में जा रहे हैं, यूसुफ छोड़ के आ रहे हैं, दोनों यहाँ पर आके बैठे अभी। She galvanized me, steady like steel, back on. जा ख्याल रख ले को, जा सीएनजी भरा ले को, जा तो। चलो अभी हम लोग आ गए, यूसुफ जा रहा है घर पे, जा आराम से, देखो ख्याल रख ले, जा। तो यहाँ पर जहाँ से प्लेट लेना है, तो यहाँ पर आके बैठे हैं। अभी सैंडविच भी लेके आई हूँ मैं, आई हूँ मैं, और ये भी सैंडविच खा रहे हैं, चिकन सैंडविच लेके हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी, और नीलों पर तो सारा उल्टी करते हैं यहाँ पर आई एयरपोर्ट में, तो चलिए सैंडविच खा लेते हैं, चिकन सैंडविच। Living for the thrill again, loving for another day. She satisfied me, gave me what I want, just what we need. Never too far away, loving for another day. Bed jai, isse baaki yatriyon ko aage bhi milti hai aur hum apne mein. She asked for something beautiful.
शाम के 6 बज चुके हैं, तो यहाँ पर गोवा पहुँच चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडी का मौसम अभी तो नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, मुंबई से ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है, फिर भी थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा आ रही है। तो अभी रूम में आ चुके हैं, यहाँ पर पूरा अच्छे से वीडियो सुबह बताती हूँ मैं, क्योंकि अभी सब अंधेरा अंधेरा, बाहर कुछ दिखेगा नहीं, तो सिर्फ ये रूम है। तो यहाँ पर एक रूम है और बाजू में यही पर रूम है, तो सारा एट वर्ड सुबह बता देती हूँ। अभी थक हार के आए, थोड़ा सा पहले फ्रेश हो जाती हूँ, चेहरा पूरा मेरा काला काला हो चुका है और पेट में कुछ नहीं, पेट में गुड़गुड़ी गुड़गुड़ी हो रही है मेरे। तो देखते हैं बाद में खाना यहाँ पर मंगाना है या बाहर जाके खाना है, देखते हैं। और बाजू में बीच है, बहुत अच्छा है, देखते हैं। चलिए जो भी मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ पर दरिया है, जरा पकड़ो। तो अभी बीच पे है, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था, दो दो लोग यहाँ पर सांस पकड़े। मस्त, कितने का भेजो? मेरा रिलोकर का देखिए, अभी हेयर बैंड नया लिए, यहाँ पर लगाया और सामने दरिया है, काफी ठंडी हवा में बैठकर खाना खा रहे हैं हम लोग। तो अभी रात के 12:30 बज चुके हैं, अभी ये दूसरा होटल है, तो ऐसी कहानी बहुत लंबी कहानी है, सुबह बताऊंगी मैं। अभी वहाँ से यहाँ पर आए तो अभी 12:30 बज चुके हैं, वो होटल से ये होटल आने तक के जो भी कहानी है वो आपको मैं सुबह बता देती हूँ, क्योंकि अभी थक गए मैं, 12:30 बज चुके, नींद आ रही है मुझे। चलिए सुबह मिलती मैं आपको। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कल उस रूम में गए थे जो पहले स्टार्टिंग में रूम में गए थे, सबसे पहले जाके अच्छे से सेटल हो गए वहाँ पर। फिर उसके बाद में क्या हुआ, बाथरूम में आई फर्स्ट नीलोफर को दिखा है कैटरपिलर, यानी कंबल का कीड़ा बोलते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे बाल बाल होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा डरता है, वो फोबिया है उसको कीड़े से। तो फिर उसने देखा, वो इतना बहुत बड़ा, इतना लंबा, बहुत बड़ा था, तो डर के मारे वो बाथरूम ही नहीं गया। फिर उसको, फिर वो जो मैनेजर रहता उसको बुलाई, मैं भी नहीं देखी, मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो फिर मैनेजर आके वही भारी फेंक दिया उसने, पूरा झाड़ी गिरी थी वहाँ पर फेंक दिया, तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसा लग, इतना ज़्यादा डर है कि और आते रहेंगे, तो बहुत डर गया। तो फिर उसको ऐसे तैसे मैं मनाई, मनाने के बाद फिर हम लोग सब मिल के बीच गए, बागा बीच, वहाँ पर बीच बाजू में ही था। तो वहाँ पर जाके खाना के ना खा के आने तक हमारे बाथरूम में इतनी बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी गोम थी। तो अयूब को उधर बाथरूम में उसके नहीं जाना था, तो फिर उसने बोला मैं तुम्हारे बाथरूम में यूज़ करता हूँ, तो पहले जाके बाथरूम चेक करके कुछ है तो नहीं। तो सबसे गई पहले, मैं बाथरूम में गई, वो दीवार पे ऐसे जा रही थी इतनी ज़्यादा, उससे ज़्यादा मुझे बहुत डर लगता है गोम से, यानी बहुत ज़्यादा डर लगता, सब डरते हमारे घर में गोम से। तो फिर वो दीवार पे देखी मैं, फिर अयूब बोली कि दीवार पे गोम है, तो डर के मारे सबसे पहले मैनेजर के पास गया, फिर उसको जैसे गिर गई, नीचे गिर के बाहर आ गई बेड के पास। मैं तो चिल्ला रही थी बहुत ज़्यादा, उस टाइम मैं वीडियो करना भूल गई, क्योंकि डर इतना ज़्यादा डर लग रहा था, कहाँ से वीडियो करूँ। फिर वो आया, फिर मैनेजर आने के बाद में उसको मारा, फिर बाद बोले हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, रूम खाली करेंगे। तो फिर रूम वहाँ से खाली करे, फिर यहाँ पर शिफ्ट हो गए, रात के 12 बजे वहाँ से आके शिफ्ट होने तक 12:30 बज चुके। फिर अभी ये रूम बहुत अच्छा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, थर्ड फ्लोर पर है। अफसोस की बात है कि लिप यहाँ की बंद है, तो इनके पैर भी दर्द है, देखिए अभी लिप की जाके बात करेंगे, लिप चालू करें करके। तो ये रूम इतना अच्छा है कि जगह भी बहुत अच्छी है, वहाँ पर कीड़े बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो आई मैं रात भर सो ही नहीं पाती था अगर वहाँ रहते तो। तो फिर वहाँ से यहाँ पर आए, तो यहाँ अच्छे से सो गए, अभी सुबह होगी नाश्ता करने जाना है, तो रूम भी आपको सारा मैं बता देती हूँ। चलिए ये बाहर का है, यहाँ पर आई का रूम वहाँ पर लास्ट में है। तो फिर ये है लिप, यहाँ पर देखिए फिलहाल थोड़ी देर बंद है, अभी बात करते जाके, तो चलिए चलते हैं। ये वाशरूम है, वाशरूम में ये है, बाद में मैं आपको वाशरूम में बता दूंगी। चलिए देखिए, बेड, आईना, टीवी यहाँ पर है, बाहर की बालकनी बहुत अच्छी लगी मुझे, यहाँ पर दो चेयर है, ये देखिए
वहाँ पर स्विमिंग पूल है, बाद में जा सकते नहाने के लिए। तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा, काफ़ी अच्छा लग रहा। हर बार आए कभी हम लोग इस तरीके से कीड़े या कुछ भी देखे नहीं, तो वहाँ पर देख के बहुत ज़्यादा डर गए। तभी यहाँ पर अच्छा है, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से। ये है वॉशरूम, शावर नहाने का और चप्पल रखने का, यहाँ पर कपड़ा रखने का, कुछ भी सोने का सामान रख सकते इसके अंदर। चलिए नाश्ता करने चलते हैं। तो है यहाँ का ब्रेकफास्ट, अभी हमारा नाश्ता हो चुके, तो यहाँ पर बैठे हैं। अभी अयूब मेलों पर आए नहीं, तो बच्चे को मिलूंगी तो नाश्ता करे, इसके लिए इंतज़ार कर रही हूँ, इसलिए अभी आएंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ आकर थोड़ा सा मेरा योगा भी कुछ हो रहा नहीं, लेकिन यहाँ पर नीचे योगा सब कर रहे हैं। देख के ऐसा लग रहा मैं भी उनसे जंप कर रहा हूँ, इंग्लिश वाले बारहवें वाले, तो इसलिए आपको भी दिखा देते हैं। ये देखिए इनको देख के मेरा मन बहुत कर रहा है, देखती हूँ अभी कभी देखते हैं। अभी 3 दिन रहना है इंशाल्लाह, मैं भी जाके ज्वाइंट हो जाऊँगी इनके साथ में। योगा करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, तभी सब नहा धो के कपड़ा पहनने तक टाइम हो गया, तो अभी जाना है। देखते हैं कहाँ अयूब लेके जाएगा, सबसे पहले खाना खाएंगे, भूख लगी, फिर उसके बाद में जाएंगे घूमने के लिए। नहा भी सो चुका अभी, तो बाप बेटा बाहर वो नीचे चले गए, अयूब वो घर पे गए, तो चलिए चलते हैं अभी। आए पर आ चुके हैं खाना खाने के लिए, तो खाना खा के आगे बढ़ेंगे। तो अभी खाना खाकर खत्म हो गया हमारा, तो चल रहे अभी बाहर घूमने के लिए। बहुत ज्यादा धूप है यहाँ पर, मुंबई से ज्यादा यहाँ पर धूप है। कौन से इस पर जरा बोल बात, सिक्वेरियम फोर्ट, सिक्वेरियम फोर्ट बोलते। तो यहाँ पर आए, बाद में आए, तो यहाँ पर आए, ये बीच में बहुत साल पहले यहाँ पर आए थे, कम से कम 8 साल पहले शायद यहाँ पर आए थे, 8 या बच्चे छोटे छोटे थे जब भी ये फोर्ट पे आए थे यहाँ पर। तो अभी बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई तो बाजू में यहाँ पर ताज होटल है, सब हीरो एक्ट्रेस लोग यहाँ पर रहते हैं ये वाले में, तो वहाँ पर सारे वो लोग रहते हैं। उसका सिर्फ किराया है एक दिन का 50,000 या कुछ एक दिन का है, बहुत ज़्यादा है, मतलब 50 लाख ऐसा ज़्यादा है, 50,000 50,000 बोली रे। तो हम भी आ गए नीलोफर को बताने के लिए, यहाँ पर आ गए मैं ताज होटल, सारे एक्ट्रेस लोग ही रहते हैं वहाँ पर। चलिए, जब सबसे पहली बार आए थे हम लोग वहाँ पर थे,
के आ गए मैं नोहा, और कल जाने वाले हैं बाहर, और नीलोफर अयूब और ये चाय पी रहे वहाँ पर नोहा देख रहा है। ये देखो वहाँ पर बैठे ये लोग चाय पीने के लिए कहाँ आए। तो अभी मैं ये बाहर जा रहे घूमते, थोड़ा सा ऐसे ही वॉक कर रहे हैं, बाहर बाजार भी जा रहे हैं। तो कल हम क्या क्या करने वाले, तो कल आपको वहाँ जाकर ही बताऊँगी, बहुत कुछ करने वाले कल। कल सुबह बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मैं नीलोफर अयूब सब मिल के वहाँ पर जो भी एक्टिविटी सारे करने वाले हैं। चलिए एंजॉय करने गए बस, और कुछ नहीं है। तो कल जाएंगे। अब ये देखिए होटल अच्छा लगा रात में एकदम मस्त, लाइट्स अच्छा वहाँ से आप खाली करके आ गए, बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीड़े आ रहे थे, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा बाज़ार, हाँ बाज़ार घूम लेते हैं जाके अभी। ये देखो बच्चा गोदी में मेरे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा गोवा में दूसरा दिन है, तो आज हम जाने वाले हैं बहुत सारे एक्टिविटी करने के लिए, और उनका नाम मुझे पता नहीं चली, वहाँ पर जाकर ही बताती हूँ मैं। एक तो समुद्र के अंदर जो फिश देखने जाते हैं वो है वाटर डाई कुछ, तो है वो नाम ज़्यादा मुझे आता नहीं। तो चलिए जो भी है मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर नाश्ता भी हो गया हमारा, तभी अयूब गए दवाई पीने के लिए, गोली पीने के लिए गए, तो मैं बैठी हूँ मैं और ये। तो चलिए, और ये पापा मेरे गोद में है, चलिए चलते। तो हमारे आरहान का देखो नया बैग है, लोहा का लटको पड़ा बच्चा मेरा ये कल साथ में नहीं लेके गए थे, तो आज हाथ दर्द हो गया, तो आज ये लिए, मतलब मुंबई से ही लेके आए थे वो। चलो फिर चलते हैं वहाँ पर। तो अभी पॉइंट पे यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ से बोट लेके जाती है, तो चलो चलते हैं।
ठीक है कहीं भी हाथ क्लीन है गाइस। गुड मॉर्निंग, आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ पर गोवा में। नाश्ता कर चुके हैं पीछे, तभी रूम में जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, रूम में अच्छे से एसी हो सा सारा है, तो वहाँ पर जाके बैठेंगे। तो देखेंगे आज कहाँ पर जाना है। कल की एक्टिविटी बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाए एक्टिविटी, थोड़ा थोड़ा सा। चलिए वहाँ बैठ कर बताती हूँ कल क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर ऊपर आ गए मैं, नीचे गाने बज रहे थे, कॉकरेट आए अगर यहाँ पर आ गई। तो कल जैसे कि आप देख चुके हैं एक्टिविटी है सारा हमने कर लिया है। एक जन का 1900 रुपये कुछ था, और जो भी एक्टिविटी कराएं बहुत थोड़ा 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 कराएं। और जो पानी के अंदर जाने का वो मैं समझी नीचे तक लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं, बस ऐसा डुबो डुबो के उठा रहे हैं। और मुझे ज़्यादा सांस की तकलीफ हो गई तो मैं अंदर जा ही नहीं पाई। बहुत जोर से गई थी जा करूँगी करके, लेकिन वो यहाँ पर नाक बंद हो जाती और मुंह से सांस लेने का सिर्फ, तो वही नहीं पा रहा था मुझे। तो मैं वापस आ गई, नीलोफर अच्छा गई, नीलोफर अच्छा करके आ गई। तो बच्चा मेरा छोटा सा पूरा बोट के अंदर, कम से कम 9:30 से शाम के 5 बजे तक बोट के अंदर था बच्चा। कुछ भी नहीं रोया, नहीं कुछ नहीं, थोड़ा बहुत रोया, फिर बाद में चुप शांत तक, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना इसके लिए। तो अभी वो भी रूम में नाश्ता करके चले गए। देखते हैं आज कहाँ जाना है या शॉपिंग करने जाना है, पता नहीं, देखते हैं। जो भी है मैं आपको बता दूँगी। चलिए, धूप यहाँ ज़्यादा है, मुंबई में अच्छी ठंडी थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है।
इसके लिए रूम में ही बैठो, एसी चालू करके, बाहर जाने के लिए। यहाँ पर हमारी मामू की बेटी वहाँ पर जा रही हूँ मिलने के लिए। 35 साल पहले हम लोग साथ में खेला करते थे, 35 से ज़्यादा ही हो गए, तो उसके घर जा रही हूँ, यहाँ पर है। अभी जाकर वो मुझसे मिल रही है, मैं उससे मिल रही हूँ, तो चलिए उसके घर पर चलते हैं, नीलोफर बिहारी ये। और हो सके तो अगर उसका इजाज़त हो तो उसका भी थोड़ा बहुत वीडियो मैं बता दूँगी, अगर नहीं तो फिर नहीं बताऊँगी। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से लगभग एक घंटे का रास्ता, एक डेढ़ घंटे का रास्ता है, तो चलिए चलते हैं। ये हमारे पापा दोनों के बीच में है। तो अभी रात के 9:30 बज चुके हैं, तो यहाँ से मामू की बेटी के घर से खाना खा के चले गए। बहुत ज़्यादा ठंडी है, अभी रात में बहुत है, रात 4:00 के पहिए और जा रहे हैं, लगभग यहाँ से एक घंटे का रास्ता है अभी। तो उसका मैं मेरे मामू की बेटी का वीडियो नहीं ली, तो वीडियो ली होटल आ गई। बहुत ज़्यादा थक गए मैं भी, बैठे बैठे कमर इतनी ज़्यादा दर्द हो गई, एक्टिवा के अंदर कम से कम जाने डेढ़ घंटा आने डेढ़ घंटा लगाया मैं, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ा सा स्लो चलाते हैं, 40-30 के स्पीड में ज़्यादा फास्ट नहीं चलाते। एक तो जाते जब भी थोड़ा सा उजाला था, फिर अंधेरा होते गया, फिर रात में आते आते तो 10:30-11:15 हो चुके होटल आने तक, 10:45 नहीं ज़्यादा हो चुके, रूम पे आने तक 11:30 हो चुके। तो अयूब भी गया है बाहर टैटू बनाने के लिए, नोहा का हाथ यानी हाथ पंजा ये बनाने के लिए, नोहा का छोटा सा हैंड सीधा हाथ का वो पंजा बना के फिर उसमें नाम लिख रहा है नोहा करके, तो टैटू बना रहा है। अभी 11:30 बज चुके हैं, शायद अभी थोड़ी देर बच्चा आ जाएंगे, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी थोड़ी देर फिलहाल आराम कर रही हूँ मैं, कल पैकिंग की सारी हो जाएगी, थोड़ी बहुत शॉपिंग हो जाएगी, फिर चलते हैं हमारे घर। सुबह के 9:30 बज चुके हैं, जा तो नाशा डाले का जा। तो गोवा में हमारा आज लास्ट का दिन है, तो यहाँ पर अभी दोपहर उसी की खाना खा रही थी, नोवा वहाँ पर सोया है चेयर में, यहाँ पर फिश करी सारा खा रही थी। तो सर ये अभी 2 बज चुके हैं, देखते हैं बाहर अभी नहीं जाए तो जाएंगे घूमने। तो यहाँ पर अच्छी अच्छी शॉपिंग हो चुकी है हमारी, और ये देखिए बनी हुई है, सामने वाली टीम के ऑफर को पास करते हैं, शायद इसके बारे में कहानी अगर आगे आए, कहना का चाहेंगे आप लोग के पारस के साथ, पारस वहां पे साथ हमने थमी करने के बाकी और क्या करने हैं, सब लेगी सब के कपड़े लेके हैं, वो बातें सुनने में रहेगी। ऑल इन ऑल मैं बहुत खुश हूं, अभी पैकिंग कर लेते हैं, सुबह जाना है। अर्शदीप सिंह भी बहुत। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नाश्ता करके आ गए अभी, तो चलते हैं मुंबई एयरपोर्ट चलते हैं अभी। अभी सुबह के 9:15 हो चुके हैं, तो दोपहर की फ्लाइट है हमारी 1 बजे की, चलिए चलते, बहुत ज़्यादा गर्मी है मुंबई के अंदर, ये हमारा गुंडूल यहाँ पर सोया है, चलिए चलते।
अभी हम एयरपोर्ट आ चुके हैं, अभी ठीक 12 बज चुके हैं, अभी 1 बजे तक आने वाले, 1 बजे यहाँ से निकलना है। चलिए मिलते हैं बाद प्लेन के अंदर। अभी हम अभी मुंबई एयरपोर्ट आ चुके हैं, बाहर यूसुफ इंतज़ार कर रहा है, लगभग यहाँ पर आधा घंटा हो गया खड़े रहे थे, तो वही है। चलिए देखते हैं, अभी आए 2 बैग और 1 बैग आना बाकी है, फिर चलते हैं बाहर, थक गए बहुत ज़्यादा थक गए। तो यहाँ यूसुफ आया लेने के लिए, देखो ऐसा घूम को ये वीडियो बना रहा बेटा हमारा। तो घर जाने से पहले यहाँ भूख लगी, सबको फालूदा खा रहे हैं, ठीक है नीलफर। अभी बजे शाम के कितने बजे, 7 बजने को आ रहे हैं, चलिए फालूदा खा लेते हैं। मेरा बच्ची अम्मा मेरे कॉलेज की है, ये रुच करता बरा के अम्मा मेरा बच्चा बरा शर दे के अम्मा कैसे चल जाता मैं लाई थी आनो अभी बुलाया था वो पहनिए भाई लाया था टी शर्ट पहन ली आनो अच्छा है मैं तो स्टाइल यहाँ पुशअप कर रहा आप सब बहुत ज़्यादा खुश है अम्मी यही घर में घर को ज़्यादातर आनो और अरहान बहुत ज़्यादा खुश है साहिल उसी ज़्यादा खुशी साहिल को रही यूसुफ को तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी खुशी हो रही और ये मियाँ देखो यहाँ पर नींद हो रही मियाँ की बिस्तर सर लगे मैं भी थक गया अभी तो हो चुका गोवा सारा घूम के आ चुके अभी जस्ट जासमीन का एडिटिंग करने के लिए बिठा रही हूँ मैं गोवा का सारा व्लॉग घूम के आ गए तो गाइस वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कर लाइक जरूर कीजिए नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को इंशाल्लाह देखते हैं फिर और वीडियो बनाकर डालती हूँ कहीं बाहर जाने को मिल रहा नहीं टाइम देखती हूँ टाइम निकालती हूँ बनाती हूँ अच्छे से वीडियो बनाती हूँ घूमने का यही तो टाइम है अभी चलिए टेक केयर बाय अपना और अपने फैमिली का जरूर ख्याल रखें।